डॉक्टर हमीदा खोड़ो और जस्टिस सज्जाद हुसैन शाह की याद में ताजती मेड़ा को कोठाया वो मेड़ा के नाले वाले सियासतदान का यूनिक और आप हमेशा का साथ सज्जाद हुसैन शाह सिंध जो आम शख्सियत से गड अनमोल मोती हुआ जिनो विछोड़ो सिंध ए पूरे मुल्क लाए नुकसान है पर अफसोस है जो अड़ी शख्सियत के वफाक हुकूमत त नजरअंदाज ही है पर सिंध हुकूमत भी विसारे चुकी है। सिंध टीवी न्यूज से गाल बोल कंदे उन्हें सज्जाद अली शाह बेहतरीन जज भलो मू बहादुर मू उनो वजन वो नुकसान कौम सरबायो वो अड़ा जज मुश्किल पैदा थन्दा हकीकत है जो मूल प्राइम मिनिस्टर के घुराए कोर्ट में नोटिस घुराए तू हाक में वक्त आ पर कानून था हलंदे तू एस एच ओ ना सिंध गवर्नमेंट के इन मूल के जिन तारीख जो हिस्सों में जिन तारीख ठाई आ तारीख में उन्होंने मकाम आ उन्होंने जायज प्लेस मिलन घुर्ज सिंध गवर्नमेंट के अला तोहफी करे तो ये करे इनमें सिंध गवर्नमेंट पोते न वी पर नेकदामी थन्दस सुजाग कौम के फर्दन जो जो फर्ज है तू पे मोहसिन के अकाबरीन के दानश्वर के अदीबन के सियासतदान के इल्मी शख्सियत के खिराज तहसीन पेश कन मैडम साहब आड़ी हिस्तारन तारीख़दान तालीमदान उनो सिंध के लिए सिंध की हिस्ट्री से तमाम वो कम हो सज्जाद अली शाह वरी पांजी अदालती तारीख में उनका तारीखी जो फैसला या जो स्टैंड वो भी तारीख जो हिस्सों आ इन फर्दन के पांजो खिराज तहसीन पेश करण यह तमाम सुठी रिवायत और सुठी गाल असाजे फर्ज भी बणजे तो उन्होंने असे मोहसरन के याद क्यों उन्होंने के खिराज तहसीन पेश कर डॉक्टर हमीदा खोड़ो अहम शख्सियत थी सुयाद अली शाह अहम शख्सियत हो न को इन डी मलायान न को मान के मोटिवेट किया बदकिस्मती से इत तारीख से मजाक बनाया है जी मैं तकरीर में भी तो शेख अब्दुल मजीद सिंधी पाकिस्तान ठहरा जो बानी अठटी जो जी एम सैद खोड़ो राशदी हाशिम गजर जाफर खान जमाली पर कंखे भी 20 मार्च से याद न कियो हुकूमत सिंध के मेरा मुतालबा है और खास तौर पे कराची चुके सज्जाद अली शाह साहब का राइट अवे ताल्लुक कराची से था खा वो मलीर में पैदा हुए हों या वो उनके पूरा जिंदगी लियारी में गुजरी हो क्योंकि तो कराची के से उनका ताल्लुक था तो कराची में एक सड़क जो है उनके नाम पर मौसूम होनी चाहिए और हुकूमत सिंध को इसमें पेशकदमी करनी सिंध हुकूमत के घुर्जे तो अड़ी शख्सियत के विसारण बजाय उनकी याद में तकरीबू कोठाइंदा रहन कैमरामैन वकार शेख सा गड अब्दुल्ला सोलंगी सिंध टीवी न्यूज कराची नाज़रीन ही हुई वक्त तक जो खबर।